नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा के आधार पर शब्दों को पढ़ाएंगे। तो यह जो है बार बार कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जितना मतलब जो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। जैसे कि UPSI में आया हुआ है, UPP में आया हुआ है, UP SSSC के सभी एग्ज़ामों में आया हुआ है। जो लोग पिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत के आधार पर जो है शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला क्या है? पहला तत्सम है, दूसरा क्या है? तद्भव है, तीसरा क्या है? देशज है, और चौथा क्या है? विदेशज है। इसी के साथ में जो है संकर शब्द भी जुड़ा रहता है, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तत्सम क्या है। तो तत्सम क्या है? तत्सम जो है एक संस्कृत शब्द है, तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि तत्सम की परिभाषा क्या है। तो तत्सम की परिभाषा यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में लिखे जाते हैं उसे तत्सम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि चड़क, चड़क जो है तत्सम शब्द है। चड़क क्या है? तत्सम शब्द है। और चड़क का जो है तद्भव हो जाएगा चना। चड़क का तद्भव क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। उसी तरीके से अट्टालिका जो है, अट्टालिका भी एक तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव हो जाएगा अटारी। इसका तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों? अटारी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सूर्य जो है तत्सम शब्द है, सूर्य का जो तद्भव हो जाएगा वह हो जाएगा सूरज। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि तद्भव क्या है। तो तद्भव तत्सम जो है, तद्भव क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में लिखे जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे प्रश्वन्न, प्रश्वन्न जो है एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पसीना। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि चड़क क्या है? चड़क तत्सम शब्द है, तो चड़क का तद्भव क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा चना। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि अट्टालिका, अट्टालिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अटारी। और कृत्यग्रह, कृत्यग्रह एक तत्सम शब्द है, कृत्यग्रह एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कचहरी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द्विवर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्राक्षा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक तरफ तत्सम दिया गया है और एक तरफ तद्भव दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं हस्त क्या है? हस्त जो है तत्सम शब्द है, और हस्त का जो तद्भव हो जाएगा वह हाथ हो जाएगा। इसी तरीके से मयूर क्या है? मयूर एक तत्सम शब्द है। मयूर क्या है? मयूर एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वह मोर हो जाएगा। यह जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और कुछ क्या होगा? कुछ भी एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वह कोक हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कहते हैं? मधुक, मधुक क्या है? मधुक जो है, मधुक तत्सम शब्द है, महुआ जो है एक तद्भव शब्द है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट कि आम्र क्या है। आम्र एक तत्सम शब्द है, और आम्र का क्या कहते हैं तद्भव क्या होगा? वह आम हो जाएगा। आम जो है फलों का राजा कहा जाता है हमको। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि गेहूँ क्या है। गेहूँ एक तत्सम शब्द नहीं है, गेहूँ जो है तद्भव शब्द है। तो गेहूँ का तत्सम क्या हो जाएगा? वह गोधूम हो जाएगा। इसके बाद जव क्या है? जव भी एक तद्भव शब्द है, और जव का तत्सम क्या हो जाएगा? यव हो जाएगा। इसी तरीके से ऊँट जो है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऊँट क्या है? ऊँट एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, और ऊँट का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? तो ऊष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है देशज। देशज क्या है? तो देशज जो है क्षेत्रीय शब्द है, अर्थात स्थानीय शब्द है। देश प्लस जात से मिलकर बना हुआ है। देशज का अर्थ यह होगा कि जो भाषा
जो है अपने देश में बोली जाती है अर्थात देश में ही जन्म लेना, उसको जो है देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसको देशज कहा जाता है, जैसे कोहड़ा, कद्दू, झापड़, पड़वा, पड़िया, बछिया, फूफा, टाटी और मड़ही। यह सब क्या है? यह सब जो है देशज शब्द हैं, यह सभी जो है देशज शब्द हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशज शब्द क्या है। तो विदेशज शब्द इसको हम आगत शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे विदेशी शब्द में क्या आएगा? अरबी भाषा का शब्द। तो अरबी भाषा में क्या है? किताबें हैं। आदमी हो जाएगा, मौलवी हो जाएगा, किस्मत हो जाएगा, मुकदमा, मुहावरा, वकील, इमारत, इमाम, जहाज, जिस्म, दौलत, तकिया, शराब, खत, लिफाफा, नगद, यह सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी के बाद जो है अभी ये जितने शब्द दिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो है बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फारसी भाषा के शब्द क्या हैं। तो फारसी भाषा का शब्द आतिशबाजी है, गवाह है, तनख्वाह है, चेहरा है, गुलाब, मरहम, दिल। इसके बाद सौदागर, शादी, नामर्द, किशमिश जो है फारसी भाषा का शब्द है, मुर्गा भी जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तुर्की। तुर्की भाषा का शब्द क्या है? तोप है, बंदूक है, बहादुर है, कालीन है और कैंची है, दरोगा है। तो दरोगा जो है तुर्की भाषा का शब्द है। फिर हम लोग आगे देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा का शब्द क्या है? आलमारी है, आलपीन है, संतरा है, अनानास है, पपीता है। पपीता जो है यह पूछा गया है। और काजू है, तौलिया है। इसी तरीके से चीनी भाषा का शब्द क्या है? तो लीची है, चीकू है, चाय है। और जापानी भाषा का शब्द क्या है? तो रिक्शा है, सायोनारा है। यह सभी जो है विदेशी विदेशज भाषा के शब्द हैं। अब हम लोग संकर शब्द देखते हैं। तो संकर शब्द क्या है? संकर शब्द जो है जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है अर्थात मिश्रण शब्द, जैसे सिनेमा घर है तो यह संकर शब्द है। जैसे रेलगाड़ी है यह भी संकर शब्द है। छायादार है यह भी संकर शब्द है। टिकट घर यह भी संकर शब्द है। अजायब घर यह भी संकर शब्द है। पूंजीपति अफसरशाही यह भी संकर शब्द है। तब तो हम लोग देखते हैं तद्भव तत्सम के नियम को देखते हैं। तो पहला नियम इसमें दिया गया है कि चंद्रबिंदु, जिस शब्द पर प्राय चंद्रबिंदु लगा हो वह तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि तद्भव एक तरफ इसमें दिया गया तद्भव, दूसरी तरफ इसमें दिया गया तत्सम। तो पहला है आँख। आँख में जो है इसमें देखिए आप चंद्रबिंदी लगी है। अगर चंद्रबिंदी जहाँ पर भी लगी होगी तो वह मान लीजिएगा लगभग लगभग तद्भव शब्द ही होता है। तो आँख का तत्सम क्या हो जाएगा? तो वह अंक हो जाएगा। उसी तरीके से आँच दिया गया है, इसमें भी चंद्रबिंदी लगी हुई है तो इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? तो आँच का जो है तत्सम आच्री हो जाएगा, अच्री हो जाएगा। उसी तरीके से आँत। आँत क्या है? तो आँत जो है एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। तो आँत का जो है तद्भव क्या हो, तत्सम क्या हो जाएगा? तो आँत का तत्सम हो जाएगा, अंत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देखिए आंवला में भी चंद्रबिंदी लगी हुई है, अर्थात जहाँ पर भी चंद्रबिंदी आप लोग देखेंगे लगी हुई रहेगी तो उसको आप लोग तद्भव मान लेंगे। लगभग 90% से ज़्यादा जो है वह लोग जो है अगर चंद्रबिंदी लगी है तद्भव तत्सम के बीच में तो वह तद्भव ही माना जाता है। जैसे आंवला है तो आंवला का हो जाएगा आमलक। इसी तरीके से आंसू है, आंसू में भी चंद्रबिंदी दी गई है तो आंसू का क्या हो जाएगा? आंसू का हो जाएगा अश्रु हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो है दूसरे नियम पे। खा जो है, खा का जो है छा में परिवर्तित होना। जिस तद्भव शब्द में खा आता है तत्सम शब्द में उसका परिवर्तन छा में हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं भी खा शब्द आता है तो तद्भव वह तद्भव हो जाएगा। जैसे कि अखरोट दिया गया है तो यह अखरोट जो है तद्भव शब्द है और यही जो है तत्सम शब्द में बदल जब जाएगा तो जो छा जो है वहाँ पे, और खा जो है वहाँ पे छा हो जाएगा तो अछोट हो जाएगा। या उसी तरीके से अखाड़ा दिया गया है तो अखाड़ा में जो है अखाड़ा का परिवर्तन हो जाएगा खा का जो है छा में,
तो यह अक्षवाट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि अंगरक्षा, अंगरक्षा दिया गया है, तो अंगरक्षा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंगरक्षक हो जाएगा। तो आप लोग देखिए छ का जो है परिवर्तन हो गया है, छ खा का परिवर्तन जो है छा में हो गया है। उसी प्रकार से आँख दिया गया, आँख में खा का परिवर्तन जो है छा में हो गया, अर्थात आँख का अच्छी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ईख, ईख क्या है, ईख एक तद्भव शब्द है और ईख का परिवर्तन जो है खा का जो परिवर्तन हो जाएगा छा में हो जाएगा, अर्थात तद्भव तत्सम में बदल जाएगा कि ईख का इच्छु हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोख, कोख का क्या हो जाएगा, कोख का कुछ ही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं खार, खार का क्या हो जाएगा, तो खा जो है छा में बदल जाएगा या क्षार हो जाएगा, क्षार तत्सम शब्द हो जाएगा और जो है खार जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि खत्री, खत्री में जो है छा जो है बदल जाएगा, तो खा जो है बदल के छा हो जाएगा, तो यह छत्री लिखा जाने लगेगा, क्या लिखा जाने लगेगा, छत्री लिखा जाने लगेगा। तो ये हो गया खा का नियम, खा जो है खा से छा में परिवर्तित हो जाएगा तो वह तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि री का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है, तो तद्भव, तद्भव एक तरफ है, एक तरफ तत्सम है, तो अमी, अमी जो है तद्भव है, तो अमृत हो जाता है, अर्थात यहाँ पे माँ में जो है री लग जाता है आधा, तो यह जो है तत्सम शब्द हो जाता है। इसी प्रकार से कचहरी दिया गया है, तो कचहरी में का में जो है आधा री लगा हुआ है, कृत्य जो है कृत्य ग्रह हो जाएगा, तो यह भी तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से घर दिया गया है, तो घर का घर जो है तद्भव है, तो घर का तत्सम क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि घी क्या है, घी एक तद्भव शब्द है और घी का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, तो घृत हो जाएगा, घी का तत्सम घृत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं घिन क्या है, तो घिन भी एक तत्सम शब्द तद्भव शब्द है और घिन का जो है तत्सम हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं इस दूसरे नियम पर कि रा का प्रयोग, रा का प्रयोग अर्ध रा अर्थात आधे रा का प्रयोग प्राय तत्सम में होता, चाहे वह रैप हो या पदेन कोई भी हो। तो यहाँ पे तद्भव क्या है, कपूर, कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा, कारपुर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि काज क्या है, काज जो है तद्भव है, तो काज का तत्सम क्या होगा, कार्य हो जाएगा, काज का तत्सम क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार से कार्तिक दिया गया है, कार्तिक जो है हिंदी का एक महीना है, अर्थात तत्सम इसका क्या हो जाएगा, कार्तिक हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कान क्या है, तो कान जो है एक तद्भव शब्द है, तो कान का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं काटन क्या है, काटन जो है एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द से जो है इसका परिवर्तन जब तत्सम में होगा तो कर्तन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गधा क्या है, गधा एक तद्भव शब्द है, बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बुलाते हैं, तो हम लोग जो है गर्धर्व नहीं कहते हैं, हम लोग गधा ही कहते हैं, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा शुद्ध रूप जो है वह गर्धर्व हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं पहर क्या है, पहर तद्भव, तद्भव शब्द है, पहर का जो है तत्सम प्रहर हो जाएगा। उसी प्रकार से बाघ दिया गया है, तो बाघ भी जो है तद्भव शब्द है, बाघ का जो तत्सम होगा वह व्याघ्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे कि भादों, भादों एक तद्भव शब्द है, भादों का तत्सम क्या हो जाएगा, तो भाटु पद हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भला क्या है, भला एक तद्भव है, भला का तत्सम क्या हो जाएगा, भद्रक हो जाएगा। और हल्दी जो है यह बार बार पूछा गया है कि हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो हल्दी का तत्सम शब्द हो जाएगा हरिद्रा, इसको आप लोग याद किए रहिएगा, यह पूछा जाता है। फिर हम लोग नियम नंबर 5 देखते हैं कि तद्भव में आए हुए सा, अर्थात जो यह सा है इसको क्या कहा जाता है, इस सा को कहा जाता है, इस सा को दंत सा कहा जाता है, कि तद्भव शब्द में आए हुए सा का सा में जो है
परिवर्तन हो जाता है अर्थात तालव दिशा में जो है परिवर्तन हो जाता है तो वह तत्सम कहलाता है। जैसे इसमें दिया गया है एक तरफ तत्सम है एक तरफ तद्भव, एक तो ये तद्भव ये तत्सम। इसमें दिया गया सींग, सींग जो है इसमें दंत सा दिया गया है, दंत सा का जो है परिवर्तन, दंत सा का परिवर्तन तालव दिशा में हो जाता है तत्श्रृंग में हो जाता है। इसी प्रकार से श्रृंगार दिया गया तो श्रृंगार का परिवर्तन श्रृंगार में हो जाता है अर्थात री अर्थात या री में हो जाएगा या ध सा में हो जाएगा परिवर्तन। तो यहीं पे जो है आज हम लोग जो है तद्भव तत्सम को समाप्त करते हैं। इसका जो है हम कल जो है इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो कि बराबर जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ है या जो है बार बार पूछा गया है और आप लोग इसको जो है पढ़िएगा। यह जो है यूपी उसमें यूपीपीएससी के RO AR में जो है लगभग 10 नंबर का तद्भव तत्सम पूछा जाता है और यह हर एग्ज़ाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि UPSI UPP में आया हुआ है, UPSSSC में आता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।